लाउडली बोलना ना थोड़ा तेज। समस्या ये थी कि मेरी बेटी सूर्योदय ग्लोबल एकेडमी में पढ़ती है और नर्सरी से ही पढ़ रही है, और मेरी एक और बेटी है वो भी वहीं पे पढ़ रही है, तो उसकी कुछ फीस बाकी थी। तो वहाँ जो स्कूल प्रबंधन है उनसे हमने पहले बात भी की थी, वहाँ जो मैडम है एक जोशी मैडम उनसे, और 10,000 रुपये उनको दिए भी थे फीस के, लेकिन बाद में अचानक क्या हुआ, अभी किसानी का काम चल रहा है तो हम लोग सब व्यस्त थे, और एक दिन मैं घर आया तो शाम के समय मेरी बेटी ने और उसकी मम्मी ने बताया कि आज परीक्षा नहीं देने दी। और बेटी का बोलना यह था कि 12-13 बच्चे और थे जिन्होंने फीस नहीं भरी, तो उनको भी अलग बिठा दिया था रूम में, और पहले तो खड़ा रखते थे थोड़ी देर तक, फिर परीक्षा दे लेने देते थे, लेकिन उस दिन पूरी एग्ज़ाम नहीं देने दी। तो इस संबंध में मैंने वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं पहले उनको कॉल किया, तो वो किसी कारणवश उन्होंने नहीं उठाया होगा, उनके नहीं उठाने पे फिर मैंने यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी मैडम है उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इस बीच में हमारी अरुण भैया से भी बात हुई थी, तो इनके सामने भी हमने मुद्दा रखा था। तो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी मैडम के यहाँ से फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है स्कूल से, और आप बच्चे को कल एग्ज़ाम देने को मिल जाएगी। ऐसी बात मतलब बच्चे की मदर को स्कूल वालों ने भी कहा, और फिर बाद में हमने देखा जो न्यूज़ पे आया कि अरुण भैया ने उनसे पूछने पे उनके द्वारा गाली गलौज की गई, ये बिल्कुल गलत है, मतलब यही बात अच्छे से भी हो सकती थी। वालों ने आपके कहने पे उनसे बात की थी, हाँ, आपकी समस्या को लेकर, हाँ, समस्या से हमने अवगत किया था, क्योंकि उस दिन जब ये लोग कॉल नहीं उठा रहे थे तो हमारा सिर्फ मन में ये जिज्ञासा थी कि जब हम स्कूल से इतने सालों से जुड़े हैं और एक फीस से तो परे हट के, मतलब ये है कि ये कोई सा नियम है, हमको तो आप पता लगा कि अगर बच्चा फीस नहीं भरता तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, वैसे हर काम में आप पालक से बात करते हैं, लेकिन क्या बच्चों को पनिशमेंट देने से फीस वसूली हो जाएगी क्या, मतलब हमारा ये बोलना क्या, है क्या मानते हैं आप ऐसे संचालक की कार्रवाई? तो ये है कि स्कूल एक विद्या का मंदिर है और वहाँ पे बच्चा अच्छी शिक्षा लेने जाता है, लेकिन ये जो अरुण भैया से जो बात हुई उनकी, इस पे तो सबके सामने है, वो तो 3-4 दिन से अपन देख ही रहे हैं स्कूल प्रबंधन ने किस प्रकार से बातें की है। कितनी फीस बाकी थी? फीस मेरी लगभग 10-12 हज़ार के लगभग होगी। कुछ फीस होती है कुल, मतलब जो हमारी ये स्कूल है इसमें मतलब बस का भाड़ा और किट वगैरह और फीस सब मिला के 4th क्लास की लगभग 48-50 हज़ार के लगभग होती है, जिसमें से हाँ मैंने 38 हज़ार के लगभग भर दिया था। 10,000 के चक्कर में परीक्षा से वंचित था? हाँ, फिर दूसरे दिन परीक्षा दिलवाई उन्होंने जब शिक्षा अधिकारी मैडम ने बोला था, तो क्या अलग कमरे में बिठाया गया था बच्चों? हाँ, बच्चे ने कहा, और इस विषय पे अगर आप वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बात करें तो बच्चों की बात तो कभी झूठ होती नहीं है, बच्चों से भी पूछ सकते हैं बिठा कर। यहाँ तक तो जो जिला शिक्षा अधिकारी मैडम से जो बात की थी तो उनसे तो यही कहा था कि मैडम हम तो खैर हमारे काम में लगे हुए हैं, अभी आप लोग बच्चों से अगर पूछेंगे तो बच्चे आपको और अच्छे तरीके से बता देंगे कि क्या हुआ है और क्या हुआ। ले भाई अब इधर मेरे तरफ लगा दो, मेरे तरफ लगा, संचालक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है पालक से और पत्रकार से, जब उस पालक की व्यथा को उसने रखा तो पत्रकार दुर्व्यवहार उसको लेकर ज्ञापन दिया गया, तो क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? सर आपका ज्ञापन लिया गया है, कलेक्टर महोदय को दिया है, मैं आगे दिला दूंगी, सबसे जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या व्यवहार हो सकती 24 घंटे के अंदर? ये कलेक्टर सर के उसमें है, वो जरूरी कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती क्योंकि 2-3 दिन सब प्रकार हमने भी देखा, कलेक्टर सर को के संज्ञान में ला दी जाएगी। अभी तो कम है, अभी तो कम है आज ही, क्योंकि भी बढ़ जाएंगे एफआईआर 24 घंटे के अंदर।